अगर आप अपनी स्किन पे विजिबिलिटी, ग्लो, चमक और शाइन चाहती हैं और चाहती हैं कि आपका चेहरा चांद की तरह इस दिवाली में रोशन नजर आए और जैसे दिवाली के दिए जगमग करते हैं इसी तरह से आप भी जगमगाएं, तो आज का ये ग्लास स्किन ट्रीटमेंट आप ज़रूर कीजिए। कल से नहीं, आज से ही करना स्टार्ट कीजिए और विजिबल ग्लो और शाइन आपको अपने चेहरे पर दिवाली वाले दिन नज़र आने वाली है। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ओवरनाइट ग्लास स्किन ट्रीटमेंट का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये ग्लास स्किन ट्रीटमेंट को मैंने डिवाइड किया है 2 स्टेप में और गाइज, ये दोनों ही स्टेप करने के बाद आप देखेंगे कि डे बाई डे आपकी स्किन की किस तरह से रिजुवेनेट होने लगी है, आपकी स्किन की विजिबिलिटी, आपकी स्किन का ग्लो, आपकी स्किन की शाइन दिन ब दिन बढ़ती चली जाने वाली है। तो गाइज, ये ट्रीटमेंट करना बेहद आसान है और सारी ही चीज़ें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको आपके किचन में ही मिलने वाले हैं, तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिया गया जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद जो घंटी का बटन बनकर आएगा उसको ऑल पे कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप नोटिफिकेशन के जरिए उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि ये ओवरनाइट ग्लास स्किन ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, इस ग्लास स्किन ट्रीटमेंट को मैंने 2 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला है स्क्रबिंग और दूसरा है फेस पैक। ये सिर्फ 2 ही स्टेप से आप अपनी स्किन पे विजिबल ग्लो और शाइन देख पाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। तो ये स्क्रब को आप स्टोर करके आपको रखना है, ठीक है। डेली बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आपको स्टोर करके रख लेना है। और फेस पैक भी आप, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी खराब नहीं होगा, तो 2 से 3 दिन के लिए फेस पैक को भी आप बना सकती है। तो सबसे पहले गाइज, हमें एक फ्रेश लेमन लेना है और फ्रेश हमको यहाँ पे चाहिए ऑरेंज। ये दोनों ही चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जैसा कि गाइस हम जानते हैं कि विटामिन सी से भरपूर है, बट ना तो हमें यहाँ पे लेमन जूस की जरूरत है और ना ही हमें यहाँ पे ऑरेंज जूस की जरूरत है, हमें जरूरत है इनके छिलकों की। तो गाइस, इनके छिलकों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और ये विटामिन सी संतरे और नींबू के रस से कहीं ज्यादा इनके छिलकों में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक ऑरेंज मैं ले रही हूँ और एक लेमन ले रही हूँ और इन दोनों को हमें पील ऑफ कर लेना है। यानी पील ऑफ गाइस हमें किस तरह से करना है, हमको एक कद्दूकश की हेल्प से इसको ग्रेट कर लेना है जिस तरह से आप मुझे देख रही हैं, यानी सिर्फ छिलका इसका ग्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस मैंने ऑरेंज को ग्रेट कर लिया है और आप देख सकती है ये पूरा पील हमारा निकल आया है एक प्लेट में। और इसके बाद इसी तरह से हमें लेमन का जेस्ट निकाल लेना है और इसको भी हम कद्दूकश की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो दोनों ही चीज़ों के ये छिलके हमारे पास मौजूद हैं। आप क्या करना है गाइस, ये फ्रेश ही आपको लेना है, ठीक है। इसको आप एक किसी कंटेनर में प्लास्टिक के या फिर कांच की बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए। 2 से 3 यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है। आप चाहें तो 3 से 4 संतरे का यूज़ कर सकती हैं, मतलब जितने दिन के लिए आपको ये स्क्रब बनाना है उतने दिन के लिए आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। तो यहाँ पे ऑरेंज और लेमन का छिलका है गाइस, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रोज पीटल पाउडर, ठीक है। सूखी गुलाब की पत्तियों का पाउडर आपको लेना है। अगर आपके पास सूखी गुलाब की पत्तियों का पाउडर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह ताजी गुलाब की पत्तियों को भी ऐड कर सकती हैं इसमें। इन सारी चीज़ों को गाइस हम एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, नाइट में हमें ये 1 चम्मच पाउडर लेना है और इसमें हमें 1 टीस्पून दही ऐड कर लेना है। और लैक्टिक एसिड से भरपूर कर्ड हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ऑयल्स की बेनिफिट्स तो हम जानते ही हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। तो ये बहुत प्यारा सा हमारा स्क्रब बनकर तैयार है गाइस। ये आपकी स्किन के लिए मतलब इतना कमाल वर्क करने वाला है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ स्क्रबिंग से ही आपका फेस इतना ज़्यादा ग्लो करेगा। यानी आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, झाइयाँ, दाने, दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो ये सारी ही आपकी रिड्यूस हो जाएगी और स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ग्लो करेगी। तो इस तरह से आपको स्क्रबिंग ये 5 मिनट तक करना है गाइज, और 5 मिनट के बाद आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा स्क्रब इस तरह से सूख चुका है, तो इसको आपको नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना। आप चाहे तो गुनगुने पानी का भी यूज़ कर सकती हैं। अब गाइज बारी आती है फेस पैक की। तो फेस पैक के लिए 1 टीस्पून आपको बेसन लेना है, इसमें 1 टीस्पून हमको ऐड करना है दही और 1 पिंच हल्दी का हम यूज़ करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस, ये हल्दी, बेसन, दही, नींबू, ये हम बहुत ही पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो गाइस, ये हमारी एक नेचुरल ब्लीच तैयार है जिसको हमें पूरे फेस पे अपने अप्लाई करना है। ये सारी ही चीज़ें, यानी बेसन, दही, हल्दी, नींबू, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं और इसमें एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़
इसके अलावा इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को अंदर ही अंदर से निखारते हैं, यानी हमारी स्किन के जो डार्कनेस है उनको दूर करते हैं, कॉम्प्लेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन की विजिबिलिटी दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फेस पैक अप्लाई कर लेना है और इसको अप्लाई करने के बाद इसको सूखने के लिए आपको छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट आपको इसको अप्लाई करे रहना है। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये फेस पैक हमारा सूख चुका है गाइस। तो अब क्या करना है आपको, इसको हल्का सा रब करिए आप और इसको नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकती हैं स्किन की विजिबिलिटी और ग्लो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है गाइस। ये 2-स्टेप ग्लास स्किन ट्रीटमेंट है जो आप आज से ही फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छी ग्लोई और शाइनी स्किन मिलेगी। आपको स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है डलनेस है डार्कनेस है वो सारी आपको रिड्यूस हो जाने वाली है। तो गाइज ये फेस को वॉश कर लिया है, चाहे तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, कोई नरिशिंग क्रीम अप्लाई कर लीजिए अपने फेस को अच्छा सा हल्का सा मॉइस्चराइज करने के बाद ओवरनाइट आप इसी तरह से स्किन को छोड़ दीजिए। तो ये सिर्फ 2 स्टेप है गाइज जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शाइन देने वाले हैं। ग्लास स्किन आपको मिलने वाली है सिर्फ ये 2 स्टेप करके, बहुत सिंपल से स्टेप है जो आपको नाइट में फॉलो करने हैं। और ये सारी ही चीज़ें आपके घर में मौजूद ज़रूर होंगी, बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो हम सबको अपने किचन में ही मिल जाने वाली हैं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कीजिए, आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मिलते हैं। तो गाइज आज से ही इस ग्लास स्किन ट्रीटमेंट को आप करना शुरू कीजिए ओवरनाइट। ये ग्लास स्किन ट्रीटमेंट चंद ही दिनों में आपकी स्किन पे एक विजिबल ग्लो विजिबल शाइन और आपको एक नई चमक और जान आपकी स्किन में भर देगा। उसके साथ ही साथ अगर आपके डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, उम्र के निशान नजर आने लगे हैं तो वो भी धीरे धीरे आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो आई होप कि गाइज ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप और देखना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।